आज हम गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना मन पढ़ेंगे गिरजा कुमार माथुर का जो समय है उस समय की कविताओं पर छायावाद का प्रभाव माना जाता है उस समय की कविताओं में प्रयोग धर्मी धर्मी भाषा मिलती है इन चीज़ों को सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए अर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए अर्थ से अधिक कला पक्ष को देखने की जरूरत है कि कविता कही किस तरह से गई है वह रचना किस तरह की भाषा में है भाषा का स्वरूप क्या है तो मान लो कि काव्य में बिंब होते हैं तो ये बिंब क्या होते हैं बिंब मतलब चित्र चित्र से भी जब सघन कोई भाषा तत्व भाषा का रचाव बुनावट, उसकी विशेषताएं होती हैं तो उसको कहते हैं कि यह विशेष रूप से अनेकार्थों में बना हुआ बिंब है आ, मैं ये चाहता हूँ कि कविता के बारे में आ, एक सामान्य अर्थ करने से पहले यह मैं बताऊं कि इस कविता को समझने खोलने का तरीका क्या है यानी इसको समझा कैसे जाए प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया है कि आ, आप यह बताइए कि जीवन का जो यथार्थ है वह छाया से क्यों महत्वपूर्ण है माने छाया और यथार्थ यानी एक होती है काया दूसरी होती है काया की छाया छाया क्या क्या होती है जो अभी वर्तमान में नहीं है कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही कवि ने अब देखो एक छोटी सी पंक्ति है जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन तो ये है इसकी काया और उसकी छाया क्या क्या है यश है या न वैभव मान है न शर्मा शर्मा माने पूंजी संपत्ति जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया प्रभुता का शरण बिंब केवल तृष्णा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है ये है छाया मतलब जो आकांक्षाओं के लिए विभिन्न तरह की कामनाओं के लिए भटकता है जहाँ जो देखता है उसी में लग जाता है सोचता है कि ये यश वैभव मैं प्राप्त करूँ और जितना ही दौड़ता है जितना ही कोशिश करता है दिशाहीन कोशिश करता है उतना ही भ्रम में फंसता जाता है तो प्रभुता प्राप्त करने के लिए आज दुनिया में क्या है देखो दुनिया में अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हूड़ लगी हुई है दुनिया की ताकतें एक दूसरे को झोड़ रही हैं और ये जो द्वंद है उसके बारे में क्या कह रहा है प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है और ये मृग तृष्णा की तरह मृग तृष्णा कहते हैं गर्मी के दिनों में लू चलती है बहुत दूर ऐसा झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है लगता है कि वह पानी है लेकिन वो पानी नहीं होता है तुम लोग भी गर्मी के दिनों में देखोगे रोड पर दूर एक पानी की तरह पानी की लहरों की तरह चमक रहा है वह क्या है पानी तो नहीं है तो है क्या उसी को मृग तृष्णा कहते हैं तो रेतों में दूर दूर तक वो दिखाई देता था और उसको देखकर जल समझकर जो मृग थे हिरणें प्यासे दौड़ती थी कि कैसे वो पानी पीने के लिए मिलेगा लेकिन पी पानी के मिलने के बदले उस मृग उस त्रिशय को छाया को देखकर उस पानी की तरह दिखने वाली चीज़ को देखकर दम तोड़ देते थे इसलिए उसका नाम पड़ गया मृग तृष्णा तृष्णा मैंने प्यास मृग की प्यास जो बुझती नहीं है केवल भ्रम में दौड़ती है दौड़ाती है और मार डालती है तो इसको कह रहा है कवि कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है विकास के साथ विनाश जुड़ा हुआ है सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है अगर बहुत ज़्यादा अधिक खाओगे तो उसको पचाना भी मुश्किल होगा इस तरह से बहुत संपत्तिशाली होने का मतलब हुआ कि उतना आपको टैक्स भी देना होगा उतनी ही आपको समस्याओं से उलझना भी होगा इस तरह से जो प्रभुता है वह प्रभुता एक जिम्मेदारी एक सुरक्षा एक डर हर तरह की चीज़ें एक साथ लेकर आती हैं यानी जितना मलबा है संसार में वो इसलिए कि उतना जलवा बनाया गया है तो जलवा और मलवा तो रात और दिन और रात में दो तरह की रात है एक चांदनी रात है और दूसरी अंधेरी रात है इसी को वो कह रहा है कि हर चंद्रिका में यानी हर चांदनी में छिपी एक रात कृष्णा है कृष्णा माने अंधेरी रात एक अमावस्या भी है केवल चांदनी नहीं है इसलिए कहता है कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन देखो मन की इच्छाओं का क्या क्या रूप होता है इसके बारे में ये चार पंक्तियां मैंने इसलिए बीच कविता की बीच से इसलिए उद्धृत किया इसलिए बोला कि अब जब तुम समझोगे कि एक काया है एक यथार्थ है और एक जो है कल्पना है एक अनुमान है एक एक हो लगता है कि है लेकिन है नहीं तो ये जो दो तरह की है एक काया और दूसरी छाया तो कवि जो है अपने मन में मन से कहता है ये कविता मन का अंतर्द्वंद है मन से मन का कथन है मन से कह रहा है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना छाया बद छूना किससे कह रहा है मन से जीवन है सुरंग सुधिया सुहानी छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी अनेक छबियां हैं चित्रों के गंध चित्रों में गंध एक देखो यही बिंब है चित्रगंध चित्र में गंध तो नहीं होता लेकिन यहां कवि ने चित्र गंध शब्द बनाया है कि कोई ऐसी ऐसा दृश्य हो जिसमें खुशबू हो खुशबू का एहसास हो छवियों की चित्र फैली मन भावनी मन में मन को लुभाने वाली चित्रों की गंध उसकी छवियां देखो यादों में बहुत सारी चीजें होती हैं तो उन यादों में कवि अपने प्रेम को याद करता है ऐसा क्योंकि इनको रोमानी कवि कहा जाता है रोमानी मैंने कुछ प्रेम सना हुआ भावना प्रेम उससे संबंधित इसलिए गिरजा कुमार माथुर में एक भावुक सौंदर्य भी है तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी यामिनी मतलब रात रात तो बीत गई लेकिन तन की जो सुगंधी है वह शेष रह गई रात रानी एक फूल है जो तुम्हें दिन में नहीं दिखेगी बहुत नन्ही सी बहुत छोटी सी उसकी कलियां होती हैं वह फूल रात में ही महकने के बाद झड़ जाता है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी इसका अर्थ प्रेम में भी है लेकिन हम एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि जैसे रात रानी के फूल रात बीत गई है लेकिन यादों में वह गंध शेष रह गई तन सुगंध फूलों के फूलों के तन क, की सुगंध है इसी तरह से किसी अपने प्रेमिका के तन की सुगंध भी कुंतल के फूलों की याद कुंतल मने बाल घने जो बाल होते हैं और घुगुराले हों उसमें फूल लगे हुए हैं तो बेली के फूल बालों में सजाते हैं गजरा जिसको कहा जाता है तो गजरा लगी हुई बालों की वेड़ी बुनावट किस तरह से बाल बने हुए हैं तो बालों में फूल लगे हुए हैं घने घने बाल हैं और उसमें फूल लगे हुए हैं तो सचमुच समझ लो कि जैसे रात रानी की लताएँ लतानाई का पेड़ होता है पतली पतली टहनियों वाला पेड़ छोटी छोटी पत्तियों वाला पेड़ जैसे बिल्कुल निकुंज हो एक घना उसमें मोटी डालियाँ नहीं होती हैं फैला हुआ अब फैली हुई डालियाँ नहीं होती हैं घनी घनी सी होती हैं उस तरह से कुंतल के फूल वैसे ही किसी प्रेमिका के घने बाल हैं और उसमें फूल लगे हैं कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी जब उनकी याद की जाती है तो एक कितना सुखद लगता है जैसे चांदनी रात होती है ना उस तरह से मधुर सुखद भूली सी एक छुवन भूली सी एक छुअन में थोड़ा सा हल्का छू गया और वो जानबूझ कर नहीं छूया ऐसे ही ऐसे ही छू गया बनता हर जीवन क्षण जीवन का जो क्षण है इसी तरह से भूली बिशरी एक छुअन नहीं चाहते हुए भी अब ये सारी बातें मन की सुधियों यादों की कल्पना में बसी हुई है ये बीत गई हैं या ऐसा होती हैं रात में होती हैं दिन में होती हैं लेकिन दुनिया में ये एक इमेजिनरी है एक कल्पना है यथार्थ है है और नहीं है दोनों है लेकिन है और नहीं है इस बात से तो बात नहीं होती ना ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यवहार हो जिसका हर चीज सच हो तो ये मन की सुधियां हैं मन की यादें हैं मन की यादें बस इसी तरह का एक सुखद आपको स्मृतियों में एक सुख में रह सकती हैं और वह अभी गुजरे हुए दिनों की यादें होंगी लेकिन ये सब छाया ही है इसलिए फिर कभी कहता है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना क्योंकि जो गुजरे हुए दिन हैं जो यादों में बसे हुए सुख के दिन हैं उनको फिर से तुम पा नहीं सकते हो फिर इच्छाओं हैं जैसे ये यादें हैं ना मन की यादें मन की सुधियां वैसे ही मन की इच्छाएं हैं क्या क्या है यश है या न वैभव मान है न शर्मा मान न संपत्ति है न प्रतिष्ठा है यश है किए का कोई लाभ है और नहीं कोई वैभव जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया जितना तुम जीवन के सुख के लिए दौड़े उतना ही तुम दुख में भागते रहे भ्रम में पड़े रहे प्रभुता का बिंब देखो एक बिंब शब्द आ गया जैसे ऊपर आया था चित्रगंध तो बिंब ये हम मानते हैं कि हम इसके शरण में हैं ये हमारा अफसर है ये हमारा सीनियर बॉस है ये हमारा मालिक है ये पिता है ये सब कुछ बड़ा भाई है ये जो शरण है इसको उसने बिंब कहा और कहा कि ये तो एक मृग तृष्णा की तरह है बिल्कुल यथार्थ नहीं है तुम्हारे पूरे जीवन भर माता पिता साथ नहीं रहने वाले एक किसी कार्य में कोई हमारा निदेशक है कोई हमारा मालिक है बॉस है वह निर्णय कर रहा है दूसरे कार्य में दूसरा हो गया तो वह भी स्थिर नहीं है तो तुम जिसको शरण मानते हो वो अभी सचमुच में शरण नहीं है एक मृग तृष्णा है हर चंद्रिका में मैंने हर चांदनी रात में छिपी एक रात कृष्णा है कृष्णा मतलब काली रात उन्हें काले और काली कृष्ण और कृष्णा तो कृष्ण का मतलब काला यहां अर्थ है मूल अर्थ क्या है खींचने वाला जिससे आदमी खिंच जाता है कर्षण होता है जिसे आकर्षण शब्द बना है ना, कर्षण होता है उसको कृष्ण कहा जाता है तो हम जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं तो उसकी क्या विशेषता है उसमें कर्षण है खिंचाव है वह वा वासुदेव है वसुधा वसुधा माने ये पृथ्वी वसुधा का स्वामी है ठीक है इसलिए वासुदेव है तो क्या है कि वसुंधरा में यानी पृथ्वी में कर्षण है खिंचाव है गुरुत्वाकर्षण जिसको कहा जाता है तो कृष्ण का मतलब खींचना जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन यथार्थ जो सचमुच तुमसे टकराता हो तुम्हें चुनौती देखता हो तुम्हें ऐसा लगता हो कि इस कार्य को नहीं करेंगे तो उचित नहीं होगा यथार्थ यथार्थ भी बदलता है लेकिन अगर चीन ने हमला कर दिया भारत पर तो उस क्षण का यथार्थ होगा कि हमारी सेना उसको जवाब दे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहें अगर हमें शिक्षा देने के लिए बैठाया गया तो हमारा अभी यथार्थ है कि हम अपने विद्यार्थियों को सच सच उनकी योग्यता के अनुसार मैं इस कविता की रुमानियत पर नहीं बोल रहा हूँ लेकिन इतना प्रयास कर रहा हूँ कि तुम रात रानी से रजनीगंधा जो फूल है उससे इस कविता को जरूर समझ लो कहीं ना कहीं से किसी बहाने मैं इस कविता को तुम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ये अथार्थ की चुनौतियाँ जो भी इस कार्य में तुम हो कि सामने परीक्षा खड़ी है तो उस खड़ी परीक्षा को जीतना है उसमें सफलता हासिल करना है ये यथार्थ है तो छाया मत छूना अरे हो जाएगा सोए रहो देख लेंगे इस तरह की कल्पना नहीं अन्यथा होगा दुख दूना दुविधा हत साहस है दुविधा जब मैं पढ़ते हैं कि ये करें कि ये करें अगर उसको कोई दूर करने वाला है तो वह है साहस दिखता है पंथ नहीं दुविधा हत, साहस है दिखता है पंथ नहीं देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण छाया मत छूना मन होगा दुख दूना मन यह जो भाव है कि दुविधा हथ दुविधा से पीड़ित दुविधा से चोट खाया हुआ ये करें वो करें ऐसे करें ना करें कहीं ऐसा करें तो ऐसा हो जाए दुविधा को दूर करने के लिए जो साहस और सामने कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत न हो ऐसा क्या है सुख है तो मन में सुख हो तन में सुख हो ठीक है क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत आने पर दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर जब इच्छा थी जब अवसर था तो उस समय चाँद नहीं खिला यानी जो इच्छित काम था वो पूरा नहीं हुआ जब दिन बीत गए जब दिन बीत गए तो रस वसंत ऋतु बसंत ऋतु चली गई रसराज कहते हैं ऋतुराज वह में जब जीवन का वसंत था तो जीवन का वसंत कब होता है सोलह बरस की उम्र में सत्रह बरस में बीस के नीचे जो वह अवसर था उसमें संघर्ष रहा जीवन में और जो बातें अब उचित नहीं है उनके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है जो न मिला भूल उसे उसे भूल जा और कर तू भविष्य वर्ण वर्ण मैंने उसको अपनाना कर तू भविष्य वर्ण छाया मत छूना मन यानी दो बातें मैंने की एक यथार्थ है एक कल्पना है एक काया है एक छाया है तुम खुद देख सकते हो अगर किसी पेंसिल को यहां खड़ा करो तो ठीक रोशनी के बाद एक छाया पड़ेगी और छाया दूर लंबी होगी यथार से लंबी होगी जो वास्तव में है उससे छाया लंबी हो जाएगी तो क्या कहते हैं कि जो छाया है वह छाया मत छूना काया छूना काया के बारे में कवि यथार्थ शब्द का प्रयोग करता है और छाया के बारे में बहुत सारी बातें मन की छाया उसकी सुधियाँ हैं उसकी इच्छाएं हैं उसकी निराशा है उसका दुख है तो मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना केवल मन को छोड़ दो तो उस मन में कितनी सारी चीजें पहले पुरानी यादों में जाएगा फिर जब यादों में जाने के बाद फिर इच्छाओं में जाएगा फिर जीवन की कठिनाइयों में जाएगा क्या कठिनाई है क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी बात करेगा कवि ने तीन स्तरों में इस कविता को रचा है पहले स्मृतियों में गया पुरानी बातों में फिर इच्छाओं में गया यश है न वैभव भव है इच्छाएँ हैं और छवियाँ क्या हैं जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहानी ये अतीत है फिर इच्छाएँ हैं मन की फिर दुविधा है होगा या ना होगा दुख है सुख है मृग है है फिर उसने एक यथार्थ तय किया दो यथार्थ किया तय किया है कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण ये दो तरह के यथार्थ हैं और इन दोनों यथार्थों में गहरी आस्था के साथ कभी अपने पाठक को प्रेरित करता है अब मूल बात तो ये हो गई और तूल बात मैंने एक मूल होता होती है एक बात मूल है और दूसरी तूल है एक काया है और एक छाया है तो एक जो मूल है वो मैंने बताया कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य